फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंसीडर करना है। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए स्मॉल पॉइंट, स्मॉल टेस्ट चार्ज कहाँ रखना है, स्मॉल पॉइंट पे रखना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। आपको फिर प्रूफ करना है कि इक्विलिब्रियम का जो टेस्ट चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ए सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, और इस रिजल्ट को आपको, इस सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है टू चार्जेस के थ्रू जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन जो हो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। देखो कैसे करते हैं, अब क्या कह रहा है कि मान लेंगे कि लेट द इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज इज अस्टेबल। फर्स्ट अपन मान लेते हैं कि लेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज अस्टेबल। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का टेस्ट चार्ज क्या आपका अस्टेबल है। If a test charge is in equilibrium, अगर test charge equilibrium में होता है and displaced from its position in any direction, और उसको position से जब displace करोगे, then it experiences a restoring force towards a null point, मतलब जहां electric field नहीं हो, that is null point, तो एक restoring force experience करेगा null point की तरफ। There is a net inward flux of electric field through a closed surface around the null point के चारों तरफ एक inward flux लगेगा। According to Gauss law, the flux of electric field through the surface, according to Gauss law क्या होगा? Flux कहाँ होगा? Surface के electric field पे होगा, which is not enclosing any charge, अब किसी charge के द्वारा enclosing नहीं होगा, is zero. Hence the equilibrium of the test charge can be unstable. इसलिए अपन कह सकते हैं कि equilibrium इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज का इक्विलिब्रियम क्या होगा, अस्टेबल होगा। अब कह रहा था नेक्स्ट पार्ट की टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस पे, अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का दो चार्जेस को अगर पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया तो द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द चार्जेस इज द नल पॉइंट, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले दोनों चार्जेस को तो ज्वाइन करने वाले जो लाइन होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा, दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, इसी मिड पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट क्या होता है, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे भी। वेन अ टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग द लाइन, अगर इस नल पॉइंट के अलॉन्ग अगर टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, इट एक्सपीरियंस ए रीस्टोरिंग फोर्स। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड नॉर्मल टू द ज्वाइनिंग लाइन, then the net force takes it away from the null point के अवे आपको net force लगेगा। Hence the charge is unstable because stability of equilibrium require restoring force in all direction। और charge unstable होगा क्योंकि जो charge को equilibrium करने के लिए जो force लग रहा है वो सभी direction में apply हो रहा है। Question number 1.33 theoretical question थे। A particle of mass m charge enters the region between two charge plate, दो चार्ज प्लेट के बीच में, इस तरह का क्वेश्चन अगर याद हो तो मैंने कल लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था, दो चार्ज प्लेट के बीच में इंसर्ट किया गया, टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड, आपका हो गया स्पीड दे रखा है This is Vx, और मूव किधर कर रहा है, मूव along x-axis के along मूव कर रहा है, like particle one in figure diagram देखा, the length of the plate is, plate की length of plate दे रखा है आपका L, and uniform electric field E, दिया हुआ है, इज मेंटेन बिटवीन दी प्लेट, दो प्लेट के बीच में आपको मेंटेन करके रखना।
so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is this. मतलब ये क्या दे रखा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये आपको प्रूफ करना है. वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द एज ऑफ द प्लेट इज क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन टू एम वी एक्स स्क्वायर, ये अपने को प्रूफ करना है. एंड कंपेयर दिस मोशन विथ मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस इन द सेक्शन 4.10 क्लास 11 टेस्ट बुक. अब वहां से कंपेयर करना हो तो रहने दो ये वाला पार्ट, बाकी का पार्ट तो अपन कर लेते हैं. अब मैकेनिकल फोर्स की अगर बात करें तो आपका फोर्स जो होगा वो आपको मालूम है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया आपका, फोर्स अपॉन मास. और फोर्स बराबर आपको मालूम है क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक्सेलरेशन हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम, इसको मान लेते हैं फर्स्ट. अब क्या निकाल लो, टाइम निकाल लो. टाइम टेकन बाय द पार्टिकल क्रॉस द फील्ड ऑफ लेंथ एल इज टाइम. पार्टिकल के द्वारा एल लेंथ को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा, तो दिस इज लेंथ ऑफ द प्लेट, लेंथ ऑफ द प्लेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. दिस इज एल अपॉन वी एक्स, इसको मान लेते हैं सेकंड. टाइम का कोई दिक्कत है, वेलोसिटी बराबर होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गया. अब इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी आपका दे रखा है दिस इज यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा तो वर्टिकली इसका मोशन जीरो होगा. तो लगा दो आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी ऑब्टेन. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन यहां मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन एस. ऑफ द पार्टिकल का वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब यहां वैल्यू रखें, वर्टिकली क्या होगा, वेलोसिटी तो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन आपने ऊपर निकाल चुके हैं फर्स्ट में, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दें यू ई वाई एम, और टाइम निकाल चुके हैं सेकंड में एल अपॉन वी एक्स स्क्वायर. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपका एस आ जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर टू एम वी एक्स, दिस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल एट द फार एज इज, ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ गया. एंड दिस इज द सिमिलर टू द मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी. और सेम इक्वेशन अपन ने जो 11th में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा का पूरा वैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 1.34, सपोज दैट पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, मतलब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन जो है, इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी एक्स, दिस इज 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड. इफ ई बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है 9.1×10⁻²⁰ न्यूटन पर कूलम, वेयर विल बी द
इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ स्ट्राइक करा, अपर प्लेट पे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, ये सब चीज दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा है, प्रूफ जो किया ना, वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दे। क्या लिखा था, क्यू ई एल स्क्वायर टू एम वी एक्स स्क्वायर। तो अपने को बेसिकली क्या निकालना था, लेंथ निकालना था, तो लेंथ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू एम वी एक्स स्क्वायर, और एस इधर आ जाएगा, टू एम वी एक्स स्क्वायर, एस एस इधर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे हो गया क्यू ई, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, रख दे सारे वैल्यू टू, मास दे रखा है दिस इज 9.1 × 10⁻³¹, वेलोसिटी दे रखा है 2 × 10⁶, और डिस्टेंस आपको दे रखा है दिस इज 0.5 सेंटीमीटर है। क्या रखना, क्वेश्चन बनाते समय इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.005, और आपका चार्ज कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻¹, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपका 9.1 × 10⁻²। सॉल्व करें अब बताएं क्या आ रहा है इसका आंसर। सर 1.59 × 10⁻²। सर 1.58 × 10⁻²। ये आर आंसर 1.6 × 10⁻²। ये आंसर आने दे, चाहे तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर लास्ट में लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द अपर प्लेट आफ्टर ट्रेवलिंग 1.6 सेंटीमीटर, ट्रेवल करने के बाद अपर प्लेट पे स्ट्राइक करेगा।